हेलो साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पी स्टडी में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा दस की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज सेवन पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के और लास्ट तक सारे प्रश्न हम करेंगे इस एक्सरसाइज में टोटल पांच क्वेश्चन हैं और पांचों इसी एक्सरसाइज में आज ही के वीडियो में हो जाएंगे ठीक है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष पहला है टू कामा थ्री माइनस वन कामा जीरो टू कामा माइनस फोर है ओके ठीक है तो ध्यान दीजिएगा अब क्या करना है हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है क्षेत्रफल मतलब आप जान रहे हो एरिया फाइंड करनी है तो पहले हम लिखेंगे क्या लिखेंगे पता है देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे दिया है दिया है क्या दिया है भाई त्रिभुज के शीर्ष तीन शीर्ष दिए हैं कौन कौन सा जो भी दिया है पहले इनका हम लिख लेते हैं नंबर फर्स्ट पार्ट हैं तो दो कामा तीन माइनस वन कामा शून्य और टू और माइनस फोर ठीक है कह रहा है इसका क्या करना है ज्ञात करना है तो भैया बहुत आसान है बाबू सिंपल सा है आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाइए और फटाफट रख दीजिए मान लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इसका एक अलग सा सूत्र होता है जब तीन निर्देशांक दिए हैं तीन कोऑर्डिनेट दिए हैं तो क्या करना बताइए सारे मान को रख देना बस हो गया टाइम बचाने की पूरी गारंटी है देखिए मैंने सूत्र और कुछ चीज़ें पहले लिख दिया है ठीक है फार्मूला आपको याद हो जाएगा आपकी बुकों में भी मिल जाएगा जब आप बार बार क्वेश्चन करोगे तो याद हो जाएगा ठीक है बच्चा ये सूत्र है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल वन अपन टू एक्स वन ब्रेकट में वाई टू माइनस वाई, वाई थ्री और फिर एक वाई थ्री माइनस वाई, वाई, वाई वन फिर एक थ्री वाई वन माइनस वाई टू ये फार्मूला वा है और जो ये तीन निर्देशांक दिए थे इनको मैं पहला को एक्स वन वाई वन एक्स टू और एक्स थ्री मान लेंगे सारे मान ला के रख दीजिए ध्यान दीजिए बहुत ही आराम से रखना है गलत ना होने पाए तो साथियों x1 का मान क्या होगा यहाँ से देखो दो है और ब्रैकेट लगा ब्रैकेट लग गया तो y2 का मान क्या है यहाँ से ले लो जीरो है माइनस y3 थ्री, थ्री का मान माइनस का फोर है तो एक बात ध्यान देना बच्चा ये जीरो है यहाँ नहीं दिख रहा ना यहाँ दिखेगा ठीक तो, है जीरो पहले से है माइनस है और वाई थ्री का मान माइनस में फोर है तो माइनस में फोर का मतलब ये हुआ इतना समझ रहे हो माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है तो जीरो प्लस फोर हो जाएगा ये तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फोर इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं फिर एक्स टू का मान रखेंगे प्लस लगा के एक्स टू का मान क्या है माइनस वन ध्यान रखना माइनस वन फिर अंदर में ये दूसरा कोष्ठक है याद रखना ठीक है तो ये कोष्ठक एक ना हो जाए इसलिए थोड़ा हम मजला लगा लेते हैं जिससे थोड़ा अलग लगे है क्वेश्चन तीन प्रकार का होता है अपने अकॉर्डिंग से लगा सकते हो जिससे इसमें अंतर बना रहे वाई y3 का मान रखेंगे बाबू तो माइनस फोर है और माइनस वाई वन अब वाई वन का मान यहाँ से रखेंगे तो क्या है तीन है इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं ना ठीक है तो ये ब्रेकट आप बंद कर लीजिए इसका काम यहाँ हो गया अब प्लस एक्स थ्री एक्स थ्री का मान यहाँ से देखो बच्चा तो दो दिया है वाई वन माइनस वाई टू तो वाई वन कहाँ है वाई वन तीन है और वाई टू कहाँ है जीरो है तो ये तीन माइनस जीरो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं कोई परेशानी नहीं ना ठीक है डन इतना चलिए अब आगे स्टेप देखिएगा मैं क्वेश्चन स्क्रीन से हटा देता हूँ समझिए साथियों इसको सिर्फ और सिर्फ आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना है आपका काम हो गया है डन हो गया है फटाफट आगे बढ़ते हैं इसको करके सॉल्व करके समझिए ये।, ये हो जाएगा आपका वन टू हाँ और ये देखो जीरो में चार जुड़ेगा तो चार ही रहेगा तो दो में चार का मल्टीपल हो जाएगा भाई ये फोर हो जाएगा जोड़ के जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं जीरो उरो को और यहाँ पे समझो थोड़ा सा ये प्लस है और ये माइनस है हमें इस प्लस को ऐसे लगा लेना है ये माइनस का तीन और माइनस का चार दोनों जुड़ेगा तो सात हो जाएगा बोलो सेवन हो जाएगा ना भाई सेवन हो जाएगा बाबू और ये माइनस का सेवन और ये माइनस का वन जब माइनस का वन में मल्टीपल होगा माइनस का सेवन का तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो इसलिए ये प्लस में ही रहेगा और सात का एक में गुड़ा होगा तो सात हो जाएगा ठीक है अब ये प्लस तीन में से जीरो जाएगा तो तीन ही रहेगा ये और दो का तीन में गुड़ा होगा तो छ हो जाएगा इसलिए ये छ हो जाएगा इस तरह से आपका ये फाइनल हो गया और यहाँ पर हम नीचे बढ़ेंगे इनको जोड़ेंगे गुड़ा करेंगे तो दो चौक आठ हो जाएगा आप सबको पता है टू फोर जाए में सात जुड़ेगा पंद्रह पंद्रह में छह जोड़ देंगे तो इक्कीस हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चा इक्कीस फाइनल में इनका आंसर हम लिख सकते हैं इक्कीस बटे दो बोलो लिख सकते हैं कि नहीं भाई देखो यहाँ पे जगह नहीं तो आगे लिख दे रहा हूँ नीचे लिखूंगा तो दिखेगा नहीं तो फाइनल में इसको मैं लिख सकता हूँ इक्कीस अपान टू वर्ग इकाई वर्ग इकाई क्यों लिखेंगे तो क्योंकि ये क्या था त्रिभुज का क्षेत्रफल था और एरिया हमेशा वर्ग स्क्वायर में ही लिखा जाता है जिसे स्क्वायर क्या बोलते हैं वर्ग और स्क्वायर का मतलब एक है होता है हिंदी में वर्ग बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं ये वर्ग इकाई लिखा जाता है जिसे स्क्वायर यूनिट बोलते हैं इंग्लिश में जैसे ये जो शीर्ष दिए गए अगर ये सेंटीमीटर में दिए गए होते तो यहाँ पर हम लिखते वर्ग सेंटीमीटर अगर ये शीर्ष मीटर में दिए गए होते तो हम उत्तर में लिखते वर्ग मीटर लेकिन हमें शीर्ष में कुछ दिया नहीं है कि मीटर है सेंटीमीटर है किलो है क्या है कुछ नहीं दिया इसलिए यहाँ पे हम वर्ग इकाई लिख देंगे इकाई का मतलब आप इकाई पे कुछ भी लिख सकते हो ठीक है तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया इसे आप छाप सकते हो जल्दी छाप लीजिए अगले पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं पार्ट देखिए इसमें दो पार्ट दिया गया था पहला पार्ट हो गया सेकेंड पार्ट मैंने स्क्रीन पर लिखा है अगर क्वेश्चन आप देखो तो फर्स्ट और सेकेंड दो पार्ट है सेकेंड पार्ट ऊपर देखिए मैंने लिख दिया है साथियों इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही सब कुछ करेंगे और सारे मान रख लेंगे सिर्फ कैलकुलेशन करना है ठीक है त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये फार्मूला होता है जब तीन निर्देशांक दिए गए हों कोऑर्डिनेट दिए हों ठीक है कोऑर्डिनेट को इंग्लिश में वो हिंदी में निर्देशांक बोलते हैं ये एक वटा दो ऐसे ही लगेगा एक्स वन ध्यान देखना एक्स वन का मान माइनस पांच है और फिर ब्रेकट बंद वाई टू माइनस वाई थ्री वाई टू का मान भी क्या है माइनस पांच है इस बात का याद रखना ठीक है क्या है माइनस पांच है ये माइनस पांच वाई थ्री वाई थ्री का मान दो है और बीच में माइनस है तो माइनस और ये दो और प्लस एक्स टू एक्स टू का मान क्या है थ्री है ठीक है वाई थ्री माइनस वाई वन वाई थ्री का मान दो है माइनस वाई वन और वाई का मान क्या है माइनस वन है तो बेटा माइनस वन है ध्यान रखना ये दो है माइनस है और ये माइनस वन है ऐसी स्थिति में ये प्लस हो जाता है छुप गया था ना ये क्या हो जाता है प्लस हो जाता है जब ऐसे बनता है तो, तो यहाँ पे हम इसे प्लस वन लिख सकते हैं ठीक है मैंने क्या लिखा x2 का मान पुट किया थ्री था और y3 का मान दो था जो मैंने लिखा और वाई का मान यहां से पकड़ा माइनस वन था तो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया ठीक है अब एक्स थ्री एक्स थ्री का मान यहाँ से पकड़ लीजिए फाइव है प्लस में और वाई वन माइनस वाई टू देखो बेटा बाबू भैया वाई वन का मान क्या है माइनस वन है तो ये माइनस वन और माइनस वाई टू का मान क्या है वाई टू का मान माइनस का 5 है तो माइनस का 5 अगर करेंगे तो ये प्लस का पाँच हो जाएगा ये आप सीख गए हो मैंने अभी आपको बताया है है ना जैसे ये हो गया था वैसे ये भी प्लस हो गया अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लाइन में बस सिर्फ आपको समझते जाना है है बहुत आसान है। इसका आंसर 32 वर्ग इकाई आएगा जिसका आ गया उनका सही है बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं देखो बाबू मैं सबका कमेंट्स देख रहा हूँ लेकिन मैं सबका कमेंट पढ़ नहीं सकता हूँ क्योंकि तो मैं क्लास आगे बढ़ाना चाहता हूँ ध्यान दीजिए ये माइनस और माइनस अगर कहीं ऐसी स्थिति होती दोनों जुड़ जाता है बाबू ठीक है तो माइनस पांच माइनस दो माइनस सात हो जाएगा माइनस सात का इसमें पांच में गुड़ा होगा तो दोनों माइनस माइनस रहेंगे तो प्लस का पांच सत्य पैंतीस हो जाएगा ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं आप ध्यान देना ये जुड़ेगा तो दो एक तीन हो जाएगा तीन का तीन में गुड़ा करोगे तो नौ हो जाएगा क्लियर ये प्लस माइनस घट जाएगा पांच जो है बड़ा है एक छोटा है इसलिए बड़े वाले का चिन्ह लगेगा यानी जो आएगा प्लस में फोर आएगा ये समझो ये ए भाई लिखना ये फाइव है ठीक है देखिए जो गिनती बड़ी है उसके पहले जो चिन्ह है वही चिन्ह उत्तर में लगता है अगर ये ऐसे होता बबुआ ऐसे आ, एक मिनट रुक के ये वन है और ये अगर फाइव होता तो ऐसी स्थिति में जो आंसर आता वो माइनस का फोर आता क्योंकि माइनस पांच के साथ लगा था और पांच बड़ा है एक से लेकिन यहाँ पर पांच के साथ प्लस लगा इसलिए आंसर में क्या आता प्लस आता है और प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ हमेशा प्लस ही माना जाता है ठीक है तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको समझ के चलना है अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो आप पी वी आर स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके जीरो लेवल देखिए ये हो गया तो ये चार आएगा और ये पाँच का गुड़ा होगा भाई साहब तो बीस हो जाएगा बाबू कितना हो जाएगा बीस इनको जोड़ लीजिए आपको पता है पैंतीस पाँच चालीस चार चौवालीस चौवालीस में बीस जोड़ोगे चौंसठ यानी ये इतना हो जाएगा ये आप सबको पता है इसको दो से काटोगे फाइनल में बत्तीस आएगा हम लिख सकते हैं थर्टी टू वर्ग इकाई इंग्लिश वाला बेटा लिखेगा बच्चा यूनिट। ठीक है लिख लीजिए नोट कर लीजिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए अगर आप पी वी आर स्टडी फेसबुक पेज या पी वी आर स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख पा रहे हैं तो हो गया डन कंप्लीट चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड के आ, पहले पार्ट अब आपको दिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हो चुके हैं इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए सिर्फ दो ही पार्ट था सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है दूसरा क्वेश्चन देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ पढ़िए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए स्क्रीन पर सेकेंड क्वेश्चन में देखिए साथियों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग में क्वेश्चन uh, पढ़िए लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में चार का मान याद कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो संरेखी को इंग्लिश में कॉलिनियर बोलते हैं क्या बोलते हैं कॉलिनियर ठीक है तो कॉलिनियर के लिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो जीरो होगा ठीक है याद रखना त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा के जीरो के बराबर कर देना है बच्चा और जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में चार का मान ज्ञात कीजिए बाबू उसे थोड़ा चेंज कर लीजिए आप चार की जगह पे आप के लिखोगे ठीक है वो के का मान निकालना एक्चुअली जो इसमें चर पद दिया गया है पहले वाले निर्देशांक जो दिए गए फर्स्ट पार्ट में उसमें के है और आपको के का वैल्यू फाइंड करना है ठीक है तो चलिए इनका हल करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड है एक्सरसाइज सेवन पॉइंट थ्री क्लास टेंथ की एनसीईआरटी टी मैथमेटिक्स लिखिए दिए गए शीर्ष दिए गए शीर्ष कितना है आ, भाई फटाफट लिख लो देर ना करो सेवन माइनस टू और क्या दिया है बोले रहो जल्दी जल्दी से पाँच वन और थ्री और के कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु जो है वो सनरेखी हो मतलब कॉलिनियर हो ऐसी स्थिति के लिए हमेशा त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो के बराबर होता है ठीक है तो आप लिखो क्योंकि तीनों बिंदु सनरेखी हैं लिखो पटापट क्योंकि तीनों बिंदु सनरेखी हैं अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा जीरो होगा ठीक है इतना आप लोग समझ गए हो ना तो आगे बढ़ा जाए ठीक है डन ओके नीचे देखिए मैंने सूत्र लिख दिया है आपको सूत्र लिखना बहुत ही जरूरी है याद रखना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा जीरो होगा ये यहाँ पे लिखा गया है तो आपको एक काम करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है ये जीरो तो यहाँ पे आपको जीरो लिख लेना है ठीक है यानी ये जो भी होगा क्या होगा जीरो के बराबर होगा इसकी जगह पे आपको इधर जीरो लिखते जाना है बाद में इसको लेकर के कर देना है ये वन अपॉइंट टू ध्यान देना x1 x1 ये हो जाएगा y1 हो जाएगा ये ध्यान रखना आप ये x1 y1 ये x2 y2 और ये x3 y3 ठीक है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं तो x1 का मान हो जाएगा बाबू यहाँ से सेवन इंटू वाई टू वाई टू यहाँ से खोजो इसमें है वन माइनस वाई थ्री वाई थ्री का मान है के और प्लस एक्स टू एक्स टू का मान यहाँ पे है फाइव ध्यान रखना मान कहां से रखते हैं बहुत ही ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा ये वाई थ्री वाई थ्री का मान यहाँ वन वाई वन देखो यहाँ पे है माइनस का दो तो ध्यान रखना ये के माइनस है और माइनस का दो ऐसे रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा हा? और प्लस एक्स थ्री एक्स थ्री का वैल्यू यहाँ पे दिया बाबू तीन और वाई वन माइनस वाई टू वाई वन का मान माइनस का दो दिया है माइनस का चिन्ह y2 टू यहाँ पर है माइनस वन इसमें किसी को कोई डाउट अगर है तो बता दीजिए कमेंट करके तुरंत देर मत करिए स्क्रीन से क्वेश्चन हटेगा और फिर आपको पूरा इसका सलूशन मिलेगा चलिए ये जीरो के बराबर है याद रखना एक बटा दो साथियों इसका हम इसमें मल्टीपल कर लेंगे गुड़ा कर लेंगे बाबू तो ये सेवन के हो जाएगा क्या हो जाएगा सेवन का वन में हो जाएगा सेवन सेवन का के में तो सेवन के और प्लस ये ध्यान देना पांच का के में गुड़ा होगा पांच पांच का दो में होगा तो दस और धन ये माइनस माइनस दोनों जुड़ेगा तो माइनस का तीन हो जाएगा हम्म माइनस का तीन का जब इसमें गुड़ा होगा तो क्या होगा ये? ये भाई क्या होगा नौ हो जाएगा माइनस में ना हाँ माइनस का नौ हो जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा एक लाइन और लिख लीजिए अच्छा रहेगा चलिए नहीं तो इसे फाइनल में लिख देते हैं कहे दो बार 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 लिखे भाई ये जोनो जुड़ जाएगा तो माइनस का तीन हो जाएगा ना भैया ना बाबू और ये क्या हो जाएगा माइनस का तीन और प्लस का तीन इसमें गुड़ा हो जाएगा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस फाइनल में आप एक बार में लिख लो माइनस का तीन और जो लिख लिया था ना यार माइनस का तीन नहीं होगा माइनस का तीन क्या समझो ये प्लस का तीन और ये माइनस का तीन ऐसे बनेगा ना इनका गुड़ा करेंगे तो माइनस का नौ आएगा फाइनल में माइनस का नौ इतना आएगा ये बात मैं बोल रहा था ठीक है अब देखना यहां से समझना इनको हल करना है हमें माइनस का जो है वो केवल नौ है और प्लस का दस है और ये है नौ सात तो दस में सात जोड़ेंगे तो सत्रह हो जाएगा सत्रह हो जाएगा माइनस का नौ है बच्चा तो माइनस उसमें से नौ कम हो जाएगा तो आपको पता है आठ बचेगा कितना बचेगा आठ और ये जीरो है ना ऐसे रहेगा वन अपॉन टू इधर गुड़ा में है इधर आएगा भाग में हो जाएगा मतलब पलट जाएगा पलटी मार जाएगा मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कुल मिला के जीरो हो जाएगा खत्म हो जाएगा बस आप इतना जान लो ठीक है इधर घूड़ा में है इधर आएगा भाग में हो जाएगा एक बटा दो और ये सब जीरो हो जाएगा मतलब एक बटा दो हो जाएगा खत्म तो ये बचेगा सेवन क्या कुछ समझ में आ रहा नहीं नहीं ना चलो मैं थोड़ा लाइन और बढ़ा लूंगा सेवन और ये जोड़ो ये हो जाएगा सेवन सात में दस जुड़ा सत्रह हो गया और ये माइनस का सात के और प्लस का पांच के भाई माइनस प्लस जानते हो ना प्लस माइनस होता हमेशा क्या होगा ये माइनस का दो आएगा तो ये माइनस का दो के बचेगा और माइनस का नौ ये याद रखना क्लियर बराबर जीरो है देखिए मैंने एक आध लाइन बीच में सार्ट कर दिया जिससे आप समझ जाओ थोड़ा जल्दी हो जाए तो साथियों प्लस है ये माइनस है घट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का दो के और प्लस का आठ क्योंकि नौ आठ सत्रह होता है ना ये सबको पता है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है नहीं तो अब आगे बढ़ते हैं आगे देखना ध्यान से आ, इसमें हो क्या रहा है इधर ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा तो हम इसको यहाँ ले आके हल करेंगे इधर साथियों प्यारे मित्रों ये आठ अगर बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस का आठ एरो लगा लीजिए बराबर माइनस का दो के तो यहाँ ये यह हो जाएगा माइनस का आठ अपान माइनस का दो बराबर के तो माइनस माइनस सब प्लस हो जाता है कितना आएगा फोर इक्वल के यानी के मान क्या आएगा चार आएगा सबको तो समझ में आया इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए अगर आपको कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा तो आपको कैलकुलेशन सीखने की जरूरत है मेरे भाई चलो लिख लो हो okay, गया मैं सामने से हट गया हूँ आप इसे छाप लीजिए इस स्क्रीन से लीजिए तो मेरा खोपड़ी भी आनी चाहिए उसमें थोड़ी सी चले चलो एक बात बता तुम गाना नहीं गाने वाला हूँ तीसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिएगा गौर से क्वेश्चन नंबर थर्ड दिख रहा है स्क्रीन पर बच्चों आपको एक्सरसाइज सेवन पॉइंट थ्री दस की एनसीआर मैथ क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा कि शीर्षों जीरो कामा माइनस वन टू कामा वन और जीरो कामा थ्री वाले त्रिभुज के मध्य भुजाओं के एक बार फिर से पढ़ना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए एक बार फिर से पढ़ो कह रहा कि शीर्षों जीरो, जीरो माइनस वन टू वन और जीरो थ्री वाले त्रिभुजों की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले का क्षेत्रफल मतलब ये जो हमें क्षेत्रफल ना, ना। मतलब तो देखिए इसके लिए एक फिगर बनाना पड़ेगा साइड में मैं उसको बनाता हूं तब आपको क्लियर आएगा देखिये जो आपको दिया गया था उससे मैंने क्या किया एक फिगर बना लिया है फिगर आपको दिख रहा है इधर साइड में ना दिख रहा है कह रहा कि इन भुजाओं से एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ो स्क्रीन पर है कह रहा है वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल तो इसकी जो भुजा है पहली ना इसका मध्य बिंदु ये होगा भाई इसका मध्य बिंदु ये होगा इसका मध्य बिंदु ये होगा जिसे मिड पॉइंट बोलते हैं इसे p मान लो इसे q और इसे r हां इनको मिलाने पर एक ट्रायंगल बनेगा ये देखो चाचा ध्यान से बन गया ना एक ट्रायंगल यानी जो ये त्रिभुज बन रहा P, Q और R. इसे का का क्षेत्रफल निकालना है बाकी कैसे कोई मतलब नहीं कैसे निकलेगा क्षेत्रफल भाई साहब इनकी तो कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिए हैं ना तो क्यू का मान दिया ना पी का ना R का कैसे निकलेगा पहले हम AB का मध्य बिंदु निकालेंगे फिर BC का मध्य बिंदु निकालेंगे फिर ए सी का निकालेंगे इस तरह से सबका मध्य बिंदु निकालेंगे और फिर इनके तीनों निर्देशांक आ जाएंगे p q r के तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा के निकाल लेंगे उसके बाद इतने में ही काम नहीं बनता नीचे कह रहा है इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए यानी छुटके का क्षेत्रफल तो निकालना ही है उसके बाद पूरे पूरे बड़े का भी क्षेत्रफल निकालना है दोनों का रेशियो फाइंड करना है चलिए शुरू करते हैं ठीक है लिखो ac का मध्य बिंदु यहाँ पे लिखिए यहाँ पे हल यहीं से शुरू हो गया था ठीक है साल ऊपर से लिखिए एसी का मध्य बिंदु अब ब्रेकट में लिख लीजिए समझने के लिए अब पी का निर्देशांक ठीक है एसी का मध्य बिंदु ब्रेकट में लिख लो पी का निर्देशांक क्या है भाई साहब जरा ध्यान से देखो फार्मूला लगाओगे वो जो सूत्र अब तक पढ़ते आए हो ना कौन सा एक्स वन प्लस एक्स टू अपान टू और वाई वन प्लस वाई टू अपान टू ये सूत्र लगाओगे और सारे मान निकाल लोगे ठीक है तो एक्स वन वाई वन ध्यान रखना हमें ए बी में निकालना है तो देखो बाबू ये एक्स वन हो जाएगा ये वाई वन हो जाएगा ये एक्स टू हो जाएगा ये वाई टू हो जाएगा ठीक है क्लियर डन चलो तो सारे मान हम रख देंगे एक्स वन का मान क्या है जीरो है एक्स वन का मान क्या है जीरो है प्लस एक्स टू एक्स टू का मान क्या है दो है अपान दो तो कॉमा वाई वन वाई वन का मान वहां से देखो माइनस वन है और प्लस वाई टू वाई टू का मान क्या है वन है नीचे टू ध्यान रखना काम बनता जा रहा है जल्दी जल्दी फटाफट हम्म क्वेश्चन हटाना पड़ेगा तो टेंशन मत लेना ये दोनों जुड़ जाएगा बाबू जब जीरो में दो जुड़ेगा तो दो ही रहेगा दो बटा दो हो जाएगा कट जाएगा तो वन आएगा ये माइनस प्लस घट के हो हो जाएगा जीरो बटा दो हो जाएगा यानी यानी बटा फाइनल में जीरो आएगा हम कह सकते हैं वन और जीरो इसका निर्देशांक हो जाएगा ठीक है इतना हल करना जानते हो कक्षा दस में पहुंचे हो नहीं समझ में आएगा तो बता देना बेसिक मैथ ज्वाइन कर लेना ठीक है ये हो गया वन कामा शून्य क्या हो गया वन कामा शून्य पी का निर्देशांक आ गया इसी तरह से साथियों जैसे हमने ए बी के साथ किया आ? लेकिन मैंने थोड़ा गलत लिखा है ना चलिए यहाँ पे ए सी की जगह पे आप ए बी लिख लो बाबू ए बी मुझे ध्यान नहीं था मैं सोचा ए सी का कर रहा हूँ ए सी का नहीं ये ए बी का था ठीक है और बिंदु पी का ही था ये कोई और गड़बड़ नहीं थी जल्दी करिए वीडियो को कर रोक करके लिखिए आगे बढ़ें चलो अब ऊपर लिखिए आप इसी प्रकार आ, ये फार्मूला भी नहीं मिटाना भाई इसको तो फालतू मिटाने लगा मैं देखो समझो अब हमें एक फाइंड हो गया क्यों का निकाल लीजिए लिखिए आप लोग तो इसे पूरा लिखोगे मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं जुगाड़ लगा रहा हूँ यहाँ पे आप लोग इसे पूरा लिखोगे अब बीसी में चलेंगे यहाँ पे लिखेंगे बीसी क्या लिखोगे बीसी का मध्य बिंदु यहाँ पे क्यू हा? क्यू का निर्देशांक इसे आप फिर से लिखोगे पूरा बिटा के फिर से लिखो नए लाइन से लिखो यहाँ पे बीसी का मध्य बिंदु इसको फिर से लिखो बीसी का मध्य बिंदु ब्रेकट में क्यू का निर्देशांक बराबर ये सूत्र लिख लीजिए या फिर ना लिखिए मान रखिए डायरेक्ट है, है, है। देखिए इसमें x2 y2 दिया है हमें इसको x1 y1 मान लेना होगा क्या माना होगा x1 y1 ठीक है रख दीजिए x1 का मान वहां से जीरो है प्लस x2 का मान यहाँ से ले लो दो है नीचे दो y1 का मान उधर से देखो तीन है y2 का मान यहाँ से वन है हाँ डन चलो ये कट जाएगा फिर वही स्थिति बन रही वन आ जाएगा ये तीन एक चार हो जाएगा बेटा तीन एक चार जब चार में दो से भाग करोगे दो आएगा ये वन और टू आएगा इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ये क्या आएगा वन कामा टू। ठीक है क्लियर आ, ये क्यू को थोड़ा ऊपर लिख लीजिए नीचे ज्यादा लटक रहा है ये तो हमें क्या हुआ पी का निर्देशांक मिल गया क्यू का मिल गया आर का निकाल लेंगे इसी तरह से देखिए आर का निकालने के लिए ध्यान देना इसमें से एक को एक्स वन वाई वन मानेंगे एक को एक्स टू वाई टू मानेंगे आप किसी एक को कुछ भी मान लो चलो फटाफट ठीक है आगे बढ़े चलो तो भाई साहब यहां पर एक चीज ध्यान देना आ, हम इसे मान लेंगे चलो एक्स वन वाई वन इसको मान लेते हैं एक्स टू वाई टू ध्यान रहे किसके लिए जब हम ए सी निकाल रहे हैं इसका मध्य बिंदु तब इसको हम एक्स टू वाई टू मान रहे हैं उसको एक्स वन वाई वन ठीक है चलिए आप लोग फिर से लिखिए क्वेश्चन में हटा देता हूं कुछ देर के लिए फिर से आप लोग लिखिए यहां पर लिखिए ए सी का मध्य बिंदु भाई क्या है क्यू की जगह पे लिखो आर लिखो ए सी का मध्य बिंदु आर ब्रिकेट में लिख दो आर का निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट ऑफ आर ये फार्मूला लिखो अब ये सारे मान बदल जाएंगे क्योंकि सब कुछ बदल गया तो मान तो बदल ही जाएंगे चलो देखो समझने की कोशिश करना भरपूर कोशिश करना तो देखो बेटा यहाँ पे एक्स वन और एक्स टू एक्स वन का मान ऊपर से देखो जीरो है और प्लस एक्स टू का मान अगर नीचे आ जाओ तो यहाँ पे ये यह भी जीरो है बटा दो तो, वाई वन प्लस वाई टू वाई टू का मान वहाँ से पहले तो वाई वन का रखो माइनस वन और फिर बीच में प्लस है तो प्लस वाई टू का मान थ्री अपान ये हो गया ये जीरो जीरो सब जीरो हो जाएगा फाइनल में आपको इतना पता है ये प्लस माइनस घटेगा तो क्या आएगा माइनस का दो आएगा दो बटा दो मतलब एक आएगा यानी जीरो और वन आर कोऑर्डिनेट कितना आया बेटा जीरो और वन ये आर का कोऑर्डिनेट है मतलब निर्देशांक है अगर हमें तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए तो अभी अभी जैसे हम पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में करते आए हैं इसके पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक बटा दो एक्स वन ब्रेकट में वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू समझ रहे हो ना वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू लगा देंगे और सारे मान रख देंगे जो भी हैं उत्तर आ जाएगा चलिए रखते हैं फिर आगे देखते हैं चलिए फिर क्षेत्रफल निकालें पहले एक का निकालेंगे फिर दोनों का जो है रख करके क्या करेंगे रेशियो फाइंड करेंगे ठीक है डन कोई डाउट कोई बात आपके मन में नहीं ना साथियों अब इस बने हुए जो छोटा वाला त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ठीक है ध्यान देना जो P -Q -R बना है ना इसका अब हम लोग एरिया फाइंड करेंगे फार्मूला वही लगा देंगे जो हमने अभी तक लगाया है आप देख रहे हो अब इसका मान निकालेंगे ठीक है डन इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को चलिए समझिए ध्यान रहे हमें पी क्यू और आर वाला मान रखना है ना कि ए बी सी वाला ठीक है तो एक्स वन का मान रखेंगे यहाँ पे ध्यान देना एक्स वन का मान क्या है भाई वन है ना और वाई टू वाई टू का मान क्या है वाई टू देखो क्यू वाले पे है वन इसका भी है और माइनस वाई थ्री वाई थ्री भी वन है उधर साइड ऊपर देख लो है क्यों सही है कि नहीं फिर से दिखाऊं तो वाई टू का मान क्या है दो है ना वाई टू का मान दो है वाई थ्री का मान वन है ठीक है तो ये क्या हो जाएगा दो माइनस वन और प्लस एक्स टू एक्स टू का मान क्या है यहाँ से देखो वन है और y3 क्या है ऊपर साइड में वन है माइनस वाई वन क्या है यहाँ पे देखो जीरो है प्लस एक्स थ्री एक्स थ्री का मान जीरो है वहां से देख लीजिए और y1 y1 क्या है जीरो है माइनस वाई टू वाई टू का मान यहाँ पे दो है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं एक बटा दो दो में से एक गया एक आएगा और ये जब हम दो में से घटाएंगे एक आएगा और इस एक का एक में गुड़ा करेंगे तो एक हो जाएगा और प्लस वन से जीरो जाएगा वन रहेगा ये वन का मल्टीपल होगा वन हो जाएगा यहाँ ध्यान देना यहाँ जीरो है ये माइनस का दो आएगा लेकिन माइनस का दो का जीरो में गुड़ा होगा तो जीरो हो जाएगा इस तरह से फाइनल में ये खत्म हो जाएगा और ये एक, एक दो हो जाएगा कट जाएगा बराबर वन आ जाएगा क्या आएगा वन वर्ग इकाई ये आंसर हो गया ठीक है ये क्या है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल आ गया ठीक है साथियों आगे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दीजिए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए भाई तीसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि इनका जो क्षेत्रफल तो निकालना है वो तो ठीक है क्षेत्रफल तो मैंने निकाल लिया आगे इसमें कह रहा है कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी याद कीजिए तो चलो तो आता देखते हैं ये क्षेत्रफल याद रखना वन वर्ग इकाई आया है इसे याद रखना ठीक है अब हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिखो आप लोग फटाफट त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और सूत्र वही लगेगा सूत्र को मिटाएंगे नहीं हम नहीं मिटाएंगे आपको तो फिर से लिखना है ठीक है आप नई लाइन से लिखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर उसके बाद ये क्षेत्रफल लिख लीजिए आप सारे मान रखते हैं इसमें ला करके कौन से ए बी और सी वाले तो ए से अगर हम शुरू करते हैं तो जीरो है और वाई टू वाई टू का मान क्या यहाँ से देखो वन है माइनस वाई थ्री वाई थ्री का मान कहाँ है भाई यहाँ पे आप ध्यान देना ये एक्स वन है वाई वन है ये एक्स टू वाई टू है ये अब इसके लिए एक्स थ्री वाई थ्री हो जाएगा ये याद रखना ये बार बार अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग बदल रहा है क्वेश्चन हटा दीजिए ध्यान ज्यादा आएगा ये एक्स थ्री वाई थ्री है तो साथियों यहाँ से मान ला के रख लो वाई टू का मान क्या है वाई टू का मान दो है हाँ दो है देखो ध्यान दो वाई टू का मान यहाँ है दो दो नहीं वन है ठीक है ओके और वाई थ्री का मान क्या है वाई थ्री का बाद बड़े वाले देख रहा है वाई थ्री वाई थ्री का मान क्या है तीन है माइनस वाई वन वाई वन का मान ऊपर साइड है माइनस वन है तो माइनस वन ये प्लस हो जाएगा और प्लस एक्स थ्री भाई साहब एक्स थ्री का मान क्या है बाबू देखो जीरो है वाई वन का मान क्या है माइनस वन है और माइनस वाई टू का मान क्या है माइनस वन है इसमें कोई दिक्कत नहीं ना चलो देखो जब इनका मल्टीपल करेंगे जीरो से तो ये सब हो जाएगा जीरो क्या हो जाएगा सुनना हो जाएगा ध्यान रहे तो ये सुनना हो जाएगा प्लस ये तीन एक चार हो जाएगा चार दो न आठ और फिर प्लस देखो ये भाई जीरो हो जाएगा क्योंकि माइनस का दो आएगा जीरो में गुड़ा जीरो हो जाएगा फाइनल में अगर हम बोलें तो एक बटा दो गुड़ा आठ क्या आएगा चार ये कितना आ गया चार वर्ग इकाई क्या आया और वर्ग इकाई ना अब नीचे लिखिए आता त्रिभुज का दोनों का क्या कह रहा था अनुपात पूछ रहा था ना रेशियो वन और फोर का ना वैसे तो लिखेंगे तो रेशियो वन फोर हो जाएगा लेकिन थोड़ा लिख लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा आप लिखिए आता दोनों त्रिभुजों का त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आता दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों ठीक है लिख लेना क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर कितना दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात भाई पहले का वन था दूसरे का फोर तो वन फोर हो गया आंसर आ गया इसमें कुछ करना ही नहीं ठीक है इसमें कोई डाउट किसी को नहीं ना एनी प्रकार का डाउट नहीं ठीक है लिख लीजिए हो गया बहुत जल्दी करिए देर नहीं फास्ट करिए सुपर फास्ट ओके डन चलो ये आपका हो गया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने चौथा नंबर क्वेश्चन नंबर चौथा ध्यान दीजिए क्या कहता है कह रहा कि नीचे स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन दिख रहा है क्या कह रहा है देखो कह रहा उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष इसी क्रम में फोर माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव थ्री माइनस टू और टू कॉमर थ्री है मतलब हमें क्या करना है इसका क्षेत्रफल निकालना है एक चतुर्भुज दिया है ठीक है चतुर्भुज के सारे शीर्ष आपको दिए गए हैं चार भुजाएं दी गई हैं चार कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो साथियों ये चतुर्भुज मैंने बना लिया लेकिन इसका ऐसे सीधा सीधा तो एरिया निकलेगा नहीं तो हम इसमें एक काम करेंगे एक डायगोनल खींच लेंगे मतलब एक विकर्ण खींच लेंगे ए सी अब अगर हमें एक ए सी मिल गया तो हम इन दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे और हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा ठीक है तो देखो यहाँ से समझो त्रिभुज ए बी सी ए बी सी अब हमें ए बी सी का क्षेत्रफल यहां से निकाल लेना है चलिए सारे मान रख देते हैं ध्यान देना बहुत ही गौर से समझना तो ये आपका हो जाएगा भैया एक्स वन वाई वन क्यों क्लियर आ रहा है ना ये हो जाएगा एक्स टू और वाई टू तो ये हो जाएगा आपका एक्स थ्री और वाई थ्री इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं ना डन लास्ट में मैंने वाई थ्री लिखा है ठीक है ये x3 है या y3 है चलिए आगे बढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा इसमें मुझे लग रहा दिखाने की जरूरत तो है नहीं दिखाऊं क्या मैं इसको फिर से और कहीं हम्म तीन और माइनस दो है इसे थोड़ा इधर लिख लो थोड़ा कट रहा है तो आप लोग कंफ्यूज में हो जाओगे ये भैया हो बाबू हो इनको यहाँ लिखो ये तीन और माइनस दो था हा? तो ये एक्स थ्री था ये वाई थ्री था जो कि माना गया था क्यों तो भाई तीन तो हैं हमें ए बी और सी तीन लेना है तो चलिए यहाँ से मान रखिए एक बटा दो एक्स वन का मान रखिए वहाँ से फटाफट माइनस का फोर है और वाई टू का मान रखिए जल्दी से माइनस का पाँच है वाई थ्री का मान रखिए जल्दी से माइनस का दो है तो माइनस ये प्लस हो जाएगा एक्स टू का मान रखिए एक्स टू माइनस का तीन हाँ तो ये इसको ब्रेकेट में रख लेंगे वाई थ्री वाई थ्री का मान माइनस का दो और वाई वन का मान क्या है वाई वन का मान यहाँ से माइनस का दो है बीच में माइनस है तो ये प्लस का दो हो जाएगा और एक्स थ्री एक्स थ्री का मान तीन है और वाई वन माइनस वाई टू वाई वन का मान माइनस का दो है और माइनस वाई टू वाई टू का मान कहाँ है भाई वहाँ उधर साइड में माइनस का पाँच दिया है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए चलिए थोड़ा थोड़ा हम शॉर्टकट करेंगे जिससे जल्दी हो जाए तो ये हो जाएगा साथियों आपका ये माइनस प्लस घट जाएगा माइनस का तीन आएगा चार में गुड़ा करोगे माइनस माइनस तो ये प्लस बारह हो जाएगा यहाँ पे ध्यान रखना ये प्लस माइनस घट के हो जाएंगे सुन्ना और तीन में गुड़ा हो जाएगा सुन्ना का ये सुनना जाएगा। तो ये भी सुन्ना हो जाएगा मतलब ये जीरो हो जाएगा ये ध्यान देना इसमें से घटेगा तो प्लस का तीन आएगा नौ में गुड़ा होगा तो नौ आएगा क्या आएगा नौ फाइनल में बारह आठ बीस एक इक्कीस आपका इक्कीस बटा दो आएगा ठीक है ये क्या हो गया आंसर हो गया वर्ग इकाई क्या हो गया वर्ग इकाई इस बात को याद रखना बाबू इक्कीस बटा दो वर्ग इकाई आया था अब इसी तरह से जैसे हमने ए बी और सी का क्षेत्रफल निकाला वैसे हम ए सी और डी का क्षेत्रफल भी निकालेंगे दोनों को जोड़ देंगे मतलब आधा आधा कोई चीज काट के जोड़ दें तो एक हो जाता है ना बस वैसे ही ठीक है तो चलिए लिखिए इसको मैं मिटाता हूं जहां से मैंने मान रखा था अब वो मान सब बदल जाएंगे याद रखना कैलकुलेशन करोगे आंसर भी अलग आएगा ठीक है कोई दिक्कत होगी तो बता देना बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लेना एक भी पैसे का चलो ओके ठीक है बाबू समझो फिर मुझे ए सी डी का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे क्या ए सी डी का क्षेत्रफल ध्यान देना ये एक्स वन वाई वन है इसे हम क्या करेंगे x2 y2 मान लेंगे भाई सिस्टम से मानेंगे तो अच्छा रहेगा और ये x3 y3 क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं ऐसे ए सी डी ना तो चलिए मान रखिए x1 का मान यहाँ पे हम ला के रखेंगे फटाफट उधर फाइट से ले आओ गिर रहा के जल्दी से तो ये हो जाएगा एक बटा दो एक्स वन का मान रखो भाई एक्स वन का मान रखो बाबू माइनस का फोर और वाई टू y2 का मान वहां से रख लो याद रहे अब गड़बड़ाएगा नहीं तो x1 y1 तो मैंने x1 का मान ले लिया अब हमें ये सी डी निकालना है तो हमें इस मान से कोई मतलब नहीं याद रखना नीचे वाला वो मान कहीं नहीं रखाओगे आप जो दिया गया है हाँ वो मान कहीं यूज नहीं करोगे जो करा है चलो तो y2 टू माइनस वाई का थ्री ठीक है तो y2 का मान क्या है माइनस का दो दिया है और फिर माइनस थ्री थ्री कहाँ है वो माइनस का थ्री है वाई थ्री की जगह पे थ्री है ना भाई ये माइनस का थ्री प्लस एक्स टू एक्स टू का मान कहाँ है उधर फाइड में है तीन और वाई थ्री भाई देखो वाई थ्री क्या है तीन माइनस वाई वन वाई वन माइनस का दो है तो माइनस का दो और ये प्लस का दो हो जाएगा और प्लस एक्स थ्री एक्स थ्री क्या है दो है और फिर वाई वन माइनस वाई टू तो भाई वाई वन कहाँ है ये है वाई टू कहाँ है उधर साइड में है माइनस का दो है वाई वन क्या है माइनस का दो है वाई टू क्या है ये भी माइनस का दो है बीच में माइनस है तो ये प्लस का दो हो जाएगा ठीक है क्लियर अब समझना ये माइनस और माइनस मल्टीपल हो जाएगा सॉरी तो जुड़ जाएगा माइनस का पाँच आएगा चार में गुड़ा करोगे तो ये माइनस माइनस सब प्लस हो जाएगा ये तीन दो पाँच हो जाएगा गुड़ा करोगे पंद्रह आएगा और ये देखो बाबू घटेगा जीरो आ जाएगा जीरो का गुड़ा होगा सब जीरो आ जाएगा सब सत्यानाश हो जाएगा अब फाइनल में आपका आ गया एक बटा दो और ये पैंतीस यानी पैंतीस बटा दो ठीक है वर्ग इकाई आप चाहो तो फिर लिख सकते हो क्या लिख सकते हो वर्ग इकाई लेकिन इसमें थोड़ा अभी और फाइनल कर सकते हो पैंतीस बटा दो वर्ग इकाई ठीक है गया डन चलिए लिखिए जल्दी करिए चलिए अब हम इसे लिख देंगे सब कुछ इतना भी आया है ठीक है आप नीचे लिखेंगे आता चतुर्भुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ठीक है यही तो कह रहा था बाकी इसमें किस इस तरह का चतुर्भुज था उससे नहीं मतलब है तो साथियों पहला हमारा अभी अभी आया था आपने देखा था इक्कीस बटा दो आया था ना और फिर ये पैंतीस बटा दो आया इन दोनों को आप जोड़ लीजिए तो ये हो जाते हैं आपका पाँच एक छः चार दो तीन दो पाँच ठीक है तो छप्पन बटा दो आया फाइनल में अट्ठाइस क्या आया वर्ग इकाई ठीक है क्या आया वर्ग इकाई ठीक है लिख लीजिए इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फोर भी इंडो होता है साथियों हो इसमें एक ही क्वेश्चन और बचा है जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर फाइव और क्वेश्चन नंबर फाइव वैसे आप लोग खुद से कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा इसको मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ अगर फाइव नंबर आप होमवर्क कर लोगे क्योंकि पाँच क्वेश्चन में मैंने चार बता दिया आपको सिर्फ एक ही होमवर्क दिया है तो देखो बाबू अगर आप ये होमवर्क कर लेते हो तो आप आज अपना जो ये चैप्टर सतवा था ना ये पूरा खत्म कर चुके हो जिसे आप निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जानते हैं ठीक है तो निर्देशांक ज्यामिति आज कक्षा दस के लिए चैप्टर सतवां लेकर के पूरा पूरा खत्म हो गई अब हमें क्या पढ़ना है चैप्टर आठवां देखिए यही जो चैप्टर थे थोड़ा ज्यादा रोकने वाले थे जैसे चैप्टर नंबर मान लो पहला था और दूसरा भी वैसे ही था तो अब जो ठीक है इसमें क्वेश्चन करवाए गए हैं वो सब बहुत आसान है आप कर ले जाओगे मिलते हैं फिर अगली क्लास में बहुत बहुत थैंक यू